मैं मोस्टली यहाँ पे आते रहता हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ पीछे करीब में ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली लंच मेरा यहीं पे होता है। अच्छा, लंच यहीं पे होता है। कौन सी ज्यादा पसंद है इनके पास? तो चारों आइटम है। बीफ, बीफ। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि दो चार पैसों को ना देखा जाए, अपनी सेहत को देखा जाए, ठीक है जी। 20-50 रुपए का फर्क को ना देखा जाए, अपनी सेहत को देखा जाए। हमारी चीज महंगी जरूर है, महंगी नहीं कह सकते, मीन्स हमारी क्वालिटी भी ऊपर है, जाहिर सी बात है उसी हिसाब से महंगाई और उसके एक्सपेंसेस भी हैं। दानियल भाई कह रहे थे कि थोड़ा अलग होगा चावल का कलर, तो भाई मुझे यहीं से ही अलग नज़र आ रहा है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये बिरयानी थोड़ी जो है, ये पुलाव जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। और ये देखें भाई, मसाले देखें, चावल का आपको कलर देखें भाई, ये वाला चावल का कलर आपको बहुत अमूमन कम ही जगह पर मिलता है। पुलाव में अमूमन सफ़ेद कलर होता है, बिल्कुल सफ़ेद चावल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कराची में अच्छी बिरयानी की तलाश करते करते आज हम लोग पहुंच चुके हैं मेन मस्कन चौरंगी पे, और एक मेन मस्कन चौरंगी से थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक बिल्कुल न्यूली सेटअप स्टार्ट हुआ है रहमान बिरयानी के सामने से। बेसिकली ये यहाँ पर न्यूली सेटअप स्टार्ट हुआ है, बट उसके अलावा ये ऑलरेडी नाजमाबाद में काफ़ी फेमस है, उसके अलावा भी इनकी दो ब्रांचेज है, लेकिन अब ये गुलशन में भी आ चुके हैं। तो गुलशन में एक और ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी का इजाफा हो चुका है, और ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे अभी बिरयानी खाई नहीं, लेकिन मैं बिरयानी इनकी खा चुका हूँ। मैंने 1.5 साल पहले भी इनकी बिरयानी खाई है, उसके बाद बीच में भी मेरा चक्कर लगा है, मैंने बिरयानी खाई है। तो बिरयानी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और चारों होती है इनके पास, बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, चारों चीज़ें मिलती हैं। तो ज़रा ट्राई करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या सीन है। तो सर आखिरी निवाला आपने ले लिया, कैसी लगी रहमान बिरयानी? बेहतरीन, हमेशा की तरह। अच्छा, हमेशा की तरह तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप आते रहते हैं। मैं मोस्टली यहाँ पे आते रहता हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ पीछे करीब में ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली लंच मेरा यहीं पे होता है। अच्छा, लंच यहीं पे होता है। कौन सी ज्यादा पसंद है इनके पास? तो चारों आइटम है। बीफ, 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 बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी जबरदस्त है, रेकमेंडेड है लोगों को, बिल्कुल रेकमेंडेड है। अस्सलाम वालेकुम दानियल भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपको फेडरल भी एरिया में भी देखा है, नाजमाबाद में भी देखा है, यहाँ कहाँ आ गए आप गुलशन में? सर गुलशन में हमने मस्कन चौरंगी के ऊपर ब्लॉक 7, गुलशन ब्लॉक 7 कहलाता है, ब्लू रिबन बेकरी के बराबर में, अल रहमान बिरयानी एंड फूड सेंटर के नाम से हमने दोबारा एक और ब्रांच का इफ्तिताह किया है। इसको इस ब्रांच को तकरीबन 8-9 महीने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ की जेनेट्री के हिसाब से हमने अपनी चीज़ें भी अपग्रेड की हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो दानियल भाई अभी बेसिक सारा मसला होता है रेट्स वगैरह, लोग थोड़ा रेट वगैरह पे भी जा रहे होते हैं, क्वालिटी पे भी, तो अभी रेट्स क्या चल रहे हैं? रेट्स बढ़ गए हैं अभी, क्या मामला चल रहा है? सर मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि दो चार पैसों को ना देखा जाए, अपनी सेहत को देखा जाए, ठीक है जी। 20-50 रुपए का फ़र्क को ना देखा जाए, अपनी सेहत को देखा जाए। हमारी चीज़ महंगी ज़रूर है, महंगी नहीं कह सकते, मीन्स हमारी क्वालिटी भी ऊपर है, जाहिर सी बात है उसी हिसाब से महंगाई और उसके एक्सपेंसेस भी हैं। कोई भी जेब से नहीं डालता, या तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या क्वान्टिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, दोनों में से किसी चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसी वजह से कुछ पैसे दूसरे मार्केट से ज़रूर महंगी ज़रूर है, बट टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी वाइज आपको बिरयानी अच्छी मिलेगी। वैसे ही बोलिए, आपको पता है पहले भी हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। हाँ बिल्कुल ऐसी बात। तो अभी कौन कौन सी बिरयानी हमारे पास है इस वक्त? बीफ में हमारे पास दो आइटम है, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी बीफ पुलाव, और चिकन बिरयानी चिकन पुलाव, ये दो, ये चार आइटम है। और इस वक्त हमने जो बीफ पुलाव लॉन्च किया है वो तकरीबन उसको 20-25 दिन हो गए, ये जो लॉन्च किया है इसका, ये थोड़ा सा यूनिक है। अच्छा, हमने थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाया है, नॉर्मली जो पुलाव सेल हो रहे हैं मार्केट में ये उस तरीके का पुलाव नहीं है। अच्छा, थोड़ा व्हाइट बिरयानी टाइप वगैरह का तो नहीं है, या फिर उससे भी अलग ही चीज़ है ये? यार व्हाइट बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, ये बिल्कुल अलग होगा? बिल्कुल अलग, मतलब एक यूनिक जो है आइटम एक आ चुका है। खासियत सिर्फ गोश्त है, ठीक है, गोश्त बीफ का है, बछिया का गोश्त है, कोई भैंस का, कोई बड़े का, इस तरीके का कोई गोश्त नहीं है भाई, ठीक है, इसलिए प्राइस भी ऊपर है, प्राइस भी ऊपर है। और दानियल भाई ये बताइएगा कि इस वक्त डिलीवरी वगैरह के मामला चल रहे हैं या फिर अभी सिर्फ यहीं पर ही? नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी हमारी फूड पांडा पे भी अवेलेबल है, हमारी अपनी रेस्टोरेंट की डिलीवरी भी अवेलेबल है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, 03111641570। अच्छा दानियल भाई, टाइमिंग क्या है हमारी यहाँ की? सुबह 12 बजे से लेकर रात 1:30-2 बजे तक अवेलेबल होती है, बट टाइमली थोड़ा सा ऑर्डर हो तो जाहिर सी बात है फ्रेश बिल्कुल एनी टाइम फ्रेश होती है, बट नाइट के टाइम और रात के टाइम जाहिर सी बात है क्लोजिंग का टाइम होता है, क्लोजिंग का टाइम फ्रेश नहीं होगी होगी लेकिन टेस्टफुल होगी, टेस्टफुल होगी। जहाँ तक बात है इसकी डिलीवरी की, डिलीवरी हमारे पास तकरीबन 4 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल अवेलेबल है, जौहर, गुलशन, फेडरल भी एरिया, तमाम एरिया हम कवर कर रहे हैं। चले भाई, तो अब आ गया वक्त हमारा बीफ पुलाव का भाई, जो रहमान बिरयानी का बड़ा ज़्यादा फेमस चल रहा है। और भाई ये देखें, दानियल भाई कह रहे थे कि थोड़ा अलग होगा चावल का कलर, तो भाई मुझे यहीं से ही अलग नज़र आ रहा है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये बिरयानी थोड़ी जो है, ये पुलाव जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। और ये देखें भाई, मसाले देखें, क्या बात है,
भाई कितने वाला है ये थाल हमारा? ये हमारा है 430 वाला। ये 430 वाला मेरे ख्याल से दो बंदे तो खा लेंगे आराम से ना, आराम से खा लेंगे ना। तो यार जरा बना दें यार हमारी चिकन बिरयानी की। ये थाल कितने वाला बन रहा है इमरान भाई हमारा? आधा किलो वाला बन रहा है। आधा किलो वाला कितने का ये? ये 300 रुपए प्राइस है। 300 रुपए का थाल है भाई। और ये देखें भाई, और ये इमरान भाई लग रही है स्पाइसी है। हाँ ये लेग पीस और साथ में आ गए सादे। तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चिकन बिरयानी और हमारा बीफ पुलाव जो है आ चुका है। लेकिन हम सबसे पहले जो है भाई ट्राई करेंगे इनका ये चिकन बिरयानी, इनकी ट्राई करेंगे क्योंकि चिकन बिरयानी से इसलिए स्टार्ट करेंगे भाई। चिकन बिरयानी मैंने इनकी दोनों तीनों ब्रांचेस पे खाई हुई है और बड़ी अच्छी लगती है भाई। देखें ज़रा मसालेदार हो रही है, ये देखें मसाले देखें भाई भरपूर। वो कहते हैं ना स्पाइसी वाली, थोड़ा रसीला वाला टच है इसमें ना, तो मुझे भी ज़रा रसीला बन रहा था ज़्यादा पसंद होता है। लेग पीस भी दिया हुआ है भाई और कह रहे हैं कि भाई दो बंदे जो है आराम से ही खा लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार काफ़ी टाइम पहले खाई थी, जायका अभी भी अच्छा रखा है इन्होंने। मतलब मैंने, मुझे अब तो करीबन कोई साल के करीब हो गया था खाए हुए, लेकिन बिरयानी का जायका अच्छा रखा है इन्होंने। मतलब बिरयानी से ज़्यादा इस वक्त हालांकि मेरा फोकस पुलाव की तरफ है, क्योंकि पुलाव की जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा हाई बनी थी कि पुलाव इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैंने बिरयानी इसलिए ट्राई कर ली, ऐसा ना हो पुलाव के बाद आपको बिरयानी मज़े की ना लगे। ज़रा भाई चिकन के साथ खा लेते हैं भाई, चिकन के साथ ट्राई करते हैं उसको। ये आ गया भाई हमारा चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ कड़क वाला फ्रेश हो रहा है चिकन में, खाते ही घुलने वाला। मतलब बिल्कुल फ्रेश मीट यूज़ हो रहा है, चिकन बिल्कुल फ्रेश यूज़ हो रहा है भाई। अब आ जाते हैं इनके। अच्छा भाई ये इसके मैं बता दूँ, इसके प्राइस है भाई 300 रुपये ये थाल के, और अच्छी क्वांटिटी है यार 300 रुपये के हिसाब से अच्छी क्वांटिटी है। इस वक्त अभी हम लोग लास्ट एक वीडियो करके आए थे मदनी बिरयानी पे, वहाँ की क्वांटिटी में अगर इसकी क्वांटिटी में अगर आप देखें तो थोड़ा फ़र्क है। लेकिन हाँ जायके भी दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब आ जाए भाई द मोस्ट हाइप, इनका जो ये बीफ पुलाव है भाई, ये देखिए भाई हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं। चावल का आपको कलर देखें भाई, ये वाला चावल का कलर आपको बहुत अमूमन कम ही जगह पर मिलता है। पुलाव में अमूमन सफ़ेद कलर होता है, बिल्कुल सफ़ेद चावल होता है। लेकिन ये देखें थोड़ा सा आपको आपको अलग से थोड़ा सुरमाई, थोड़ा ग्रेश सा आपको कलर नज़र आ रहा है ये वाला। और देखें भाई बोटियाँ देखें, बीफ की बोटियाँ ये नीचे से निकालते हैं भाई, ये रास वाली बोटी। ओह भाई ये बोटियाँ जो है ना ये मज़ा दुबला कर देती हैं। चल खा ही लेते हैं। बहुत नरम नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, मुनासिब। बोटी खाते हुए आपको मज़ा आता है, मतलब ऐसा मुनासिब हो ना मज़ा आता है। अब भाई चलें भाई ज़रा आप चावल ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा बीफ पुलाव जैसे ये बोल रहे थे ना, बाकी बीफ पुलाव बिल्कुल डिफरेंट है। ये थोड़ा अलग ही किस्म का है, ये वाइट बिरयानी भी नहीं है, पुलाव भी नहीं है, थोड़ा सा चटपटा जायका है इसका ना। देखो साथ में ना हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं। ये ज़रा ना अब हम ये ट्राई करते हैं, ज़रा हाथ से खाते हैं भाई। चलें अब हाथ गंदे हो गए तो हो गए भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई 430 रुपये का ये थाल है, तो मेरे हिसाब से दो बंदे खा लेंगे आराम से। क्वांटिटी अच्छी खासी भरपूर है। अच्छा अगर पर बंदे के हिसाब से भी समझो तो 200 रुपये पड़ गए, तो यार सही है। तो बीफ में आपको बोटियाँ भी अच्छी खासी मिल रही है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बोटियाँ इसमें डली हैं भरपूर, जो हमने जिसका पोस्टमार्टम अभी तक कर दिया भाई। लोकेशन बड़ी आसान है, मेन मस्कन चौरंगी पे आप आएँगे, ब्लू रिबन बेकरी के बिल्कुल बराबर में ही है रहमान बिरयानी एंड फूड। उसके अलावा इनके बाद अलग अलग देखें भाई डील्स वगैरह भी बनी हुई। इसमें से भी आप चाहें तो आगे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप जितनी भी आपकी गैदरिंग है आएँ और खाएँ। चिकन भी ज़बरदस्त है, बीफ भी ज़बरदस्त है। अच्छा हमने इसमें जो है हमने चिकन पुलाव मिस किया है और बीफ बिरयानी मिस की, क्योंकि भाई यही खाना हमारे लिए बहुत था। तो चार आइटम इनके पास टोटल अवेलेबल होते हैं। आएँ लाजमी इन्जॉय करें, खाएँ। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।